उत्तर प्रदेश में आप सभी को कूड़ा उठवाने का यूजर चार्ज देना होगा। यूजर चार्ज मकान दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट यानी प्रबंधन संचालन और स्वच्छता नियमावली 2021 बनाने जा रही है। सूत्रों की माने तो नियमावली को इसी माह कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अब तक कुछ चुनिंदा शहरों में ही कूड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाता है। अब इसे प्रदेश में हर शहरी निकाय में लागू कराने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने जो मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया है उसके मुताबिक बड़े नगर निगमों में 500 वर्ग फुट के मकान पर ₹40, 500 से 2000 वर्ग फुट के मकान पर ₹100 मासिक चार्ज लिया जाना है। वहीं 2000 से 2500 वर्ग फुट के मकानों से ₹125 और 2500 से 5000 वर्ग फुट के मकानों से ₹200, जबकि इससे ज्यादा बड़े मकानों से ₹250 मासिक यूजर चार्ज लिया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला है, हरिद्वार से वाराणसी के बीच बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसी तर्ज पर 100 वर्ग फुट की दुकानों से ₹80, 100 से 200 वर्ग फुट की दुकानों से ₹100 और 200 से 300 वर्ग फुट पर ₹125 और 300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले दुकानों से ₹200 मासिक यूजर चार्ज लिया जाएगा। ठेले गुमटी वालों से 35 से ₹75 शहरों के हिसाब से और मोबाइल वैन से ₹200 प्रति माह चार्ज लिए जाने का प्रस्ताव है, पास कराया जा सकता है। तो ये वो नियम है जिसके जरिए अगर आप अब उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहते हैं और अगर आपके घर में कूड़ा है और उसे आप नगर निगम को देते हैं तो इसके एवज में आपसे अब चार्ज लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।